जी पॉइंट्स ए पी क्यू एंड बी लाई ऑन अ सेम लाइन सच दैट पी क्यू एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर एंड 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए राइट कार वन एंड कार टू लीव ए एट द सेम टाइम एंड मूव टुवर्ड्स बी साइमल्टेनियसली कार थ्री लीव्स बी एंड मूव टुवर्ड ए कार थ्री मीट्स कार वन एट क्यू एंड कार टू एट पी इफ ईच कार इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म स्पीड देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू टू दैट ऑफ कार वन इज सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं स्टार्टिंग में नहीं करूंगा गॉट इट आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर विद इन वन मिनट हो रहा है जी विद इन वन मिनट हो रहा है सर ये मेरा पहला क्वेश्चन है ठीक है सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक रिस्क ऑन दिस क्वेश्चन आई डोंट वॉन्ट टू गेट स्टक अप बिकॉज देर आर सो मेनी पॉइंट्स एंड सो मेनी दिस थिंग सो इवन इफ आई मे बी एबल टू डू इट बट दिस इज नॉट ए स्ट्रेट क्वेश्चन मेरे को फ्रेज करना पड़ेगा सारा बनाना पड़ेगा कहाँ से कैसे मिला है कुछ सोचना पड़ेगा ठीक है ना भाई इजी वाले ढूंढेंगे फिर इस पे टाइम कर सकते हैं। हाँ क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है अगर ये दसवां बारहवां क्वेश्चन होता तो मैं टाइम दे देता क्योंकि आई एम ऑलरेडी इन टू द गेम आई एम जस्ट एंटर्ड द टेस्ट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स आउट लाइक दिस विच आई एम नॉट एबल टू यू नो रियली पिक इट अप एट अ ग्लांस सो आई वुड नॉट लाइक टू वेस्ट टाइम ऑन दिस इज इट क्लियर बोलो yes, जितना एक आपको अभी याद है कि तीन कार हैं तीन पॉइंट हैं तीन पॉइंट पे मिल रहे हैं उतना बाद में भी याद रहेगा राइट यस सर फर्स्ट गो पढ़ने से अगर नहीं समझ में आया कि कैसे मिल रहे हैं कैसे है तो कोई बात नहीं है इज इट क्लियर यस सर हाँ चलो लेट्स ए वन ए टू ए 52 बी द पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट A2 is greater than A1 and so on till A52 term. Suppose their arithmetic mean is 1 less than the arithmetic mean of A2, A3 and so on. If A52 is equal to 100, then the largest possible value of A1. हाँ ये अब doable है हमारा कैसे doable है ये भाई क्योंकि ये AP, GP और average का question थोड़ा सा लग रहा है इसको मैं फटाफट लूंगा कि मेरा A2 100 दिया हुआ है ठीक है बोलो यस सर इसके छोड़ने से मेरी एवरेज बढ़ रही है ठीक है इसके छोड़ने से मेरी एवरेज बढ़ रही है तो ये सबसे कम होगा बोलो सबसे छोटा है वैसे भी दिया हुआ है ना सबसे छोटा है यस सर तो इसके छोड़ने से वैल्यू मेरी सबसे कम बढ़ रही है क्लियर हो गया बोलो चल दोबारा बताना एक बार कैसे कह रहे हो ये लार्जेस्ट पॉसिबल चाहिए ना ए वन की हाँ जी जी सर और जितने ये नंबर हैं उनको जब ये छोड़ के जाए ये नंबर तो उनको सबको एक का फायदा होना चाहिए ठीक है सर ठीक हो गया ना तो 51 नंबर हो गए ना इनको छोड़ के ये ठीक है सर बोलो हाँ या ना Yes, sir. ये 51 नंबर हो गए मेरे तो 51 नंबरों को एक एक नंबर का फायदा होना चाहिए इसको छोड़ने से मतलब जो इसकी मिडल वैल्यू होगी क्या होगी जो मिडल वैल्यू मतलब जो इसकी एवरेज होगी इनकी उसका 51 ये कम होगा इजंट इट हाँ ठीक है ना जो हमारी टोटल एवरेज होगी उसमें से अगर A1 को एक्सक्लूड कर देते हैं तो एवरेज ये कम हो जाती है ठीक है ना ये लेने से एक एक लेने से ये वाला लेने से बोलो बोलो हाँ या ना यस सर मान लो ये 51 लोग हैं जैसे भी मान लो ये 51 लोग हैं इसको छोड़ के जब A1 आया जब तो इनकी एवरेज -1 होगी yes, यही है ना yes, तो कैन वी से A1 इज 52 लेस देन देयर एवरेज सर मतलब सभी से एक एक ले रहे हैं वो हाँ
तो 52 लेस हो गया ए वन, 52 लेस देन द एवरेज, तो इनकी एवरेज मैक्सिमम होगी तो ए वन मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये 100 है क्योंकि सब लोग एक दूसरे से छोटे हैं और मेरे को 51 नीचे उतरना है तो मैं 50 तक नीचे उतरूंगा, ये मेरा 52 है तो ये 2 हो गया। हाँ जी, एवरेज कितनी होगी 75। यस सर, तो ये कितना आ गया 23 आ गया। सर 51 नहीं लेस करना, 52 क्यों कर रहे हो लेस? अब 52 लेस कर रहे हैं क्योंकि अब है एवरेज क्या है जो अब है, अपने आप को भी इंक्लूड कर लिया अब को भी, हाँ 23 आ गया। ठीक है, अब देखो आप पिछले क्वेश्चन को कह रहे थे नहीं करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं करना है, क्या फर्क आ गया? व्हाट इज द डिफरेंस सर? की लगाना है जी? नहीं बेटा, हर एक आपका भी ना कुछ कंफर्ट जोन होगा। हाँ जी सर, वो हो गया, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ। ठीक है ना, तुमसे ये वाला नहीं हुआ, वो वाला हो गया, मेरे से वो वाला, मेरे को लगा के बाद में करने वाला, ये वाला मैं अभी कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग इट? हुआ तो ये भी क्विक क्विक में नहीं है, बट स्टिल दिस इज समथिंग विच आई कैन पिक इट अप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। मैंने पिक कर लिया, मेरे को रास्ता नजर आ गया कि भाई ऐसे होगा, पिछले वाले में यार रास्ता नहीं नजर आ रहा था। ठीक है, मेरे को जो सेकंड रीडिंग करनी पड़ रही थी पिछले वाले में, वो इसीलिए करनी पड़ रही थी कि मैं क्वेश्चन समझूं, राइट? यहां पे जो मैं सेकंड रीडिंग कर रहा हूं, वो मैं क्वेश्चन समझने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आंसर निकालने के लिए सेकंड रीडिंग कर रहा हूं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। मेरे को पढ़ने से पता लग गया ये एक बंदा छोड़ के गया है, उसकी एवरेज का कॉन्सेप्ट है। यस नो? पर पिछले क्वेश्चन में बेटा मेरे को ये पढ़ के पता नहीं चला कि ये कॉन्सेप्ट किस चीज का है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर टू ड्रम्स ईच कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। इन ड्रम वन ए एंड बी आर इन द रेशियो 18:7। The mixture drum 1 and drum 2 are mixed in the ratio 3:4. And in the final mixture, A and B are in the ratio 13:7. In drum 2, then A and B were in the ratio. Equal है ना? अच्छा 3:4 में है, आसान है। देखो भाई, ये 18, ये 7, ये 3, ये 13, ये 7, ये 4 होना चाहिए। ठीक है, बोलो बोलो भाई। 18, 7, 25 हो गया, ये 13, 7, 20 हो गया, बोलो। यस सर। ये 3 पार्ट्स होना चाहिए तो ये 4 पार्ट्स होना चाहिए, इसके 3 पार्ट्स कर दो 75 हो गया, 4 पार्ट्स 100 हो जाएंगे। इसका 3 पार्ट्स करेंगे 25 का तो 75 हो गया। फिर 13:7 फाइनल है सर, वो तो बाद में बने। अच्छा चलो कोई ना, ऐसे कर लो, एक मिनट। हाँ थैंक यू। तो 18:7 रेशो ए का है और फाइनल है 13:7, तो ये 7 पार्ट्स हो गए, ये 4 पार्ट्स हो गए, ये 3 पार्ट्स हो गए, यही कह रहा है। तो ये 75 हो गया 3 पार्ट का, अगर मान ले 7 पार्ट का 175 हो गया। हाँ जी तो ये 100 होना पड़ेगा। ये 100 होना पड़ेगा, इसको तो जरूरत ही नहीं है, यहां से कर लो, ये 100 होना पड़ेगा। अब ये इसको गुना करो, कितना बन गया ये 75 गुना 3, 3 से गुना करो 54 and 21, ये आपका गुना होगा, ये 20 बन रहा है, तो 20 को 175, 20 को 7 से फैक्टर बनाना है। एक मिनट, ये मेरा 25 बन रहा है,
ये मेरा 20 बन रहा है, ठीक है। बोलो भाई। यस सर। वैसे तो ये आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ, है ना आंसर? Yes, sir. यही है, मैंने क्वेश्चन निकाला नहीं, जब ये मेरे से धक्का करने लग गया तो मैंने भी धक्का कर दिया। तो वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, प्राइम नंबर नेवर डाइज वाला, सात से जाएगा। वही तो लगाया मैंने। Yes, मैंने भी लगाया। यार तू तो सरेआम धक्का करता है, गाना है ना एक। Yes, sir. हाँ, शादियों में बड़ा चलता होता है ये, वही है। हमने देखा कि यार बीच वाला नंबर चार का मल्टीपल आएगा ना, वो 25 का है तो वो 100 बन रहा है, तो पीछे इसका जोड़ 100 बनना चाहिए, जो भी है वो आंसर आएगा। ठीक है जी। गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यस सर। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको? हम कहते हैं कि यार ये वाली चीज मेरी 25 है, ये 3 है, ये 20 है, ये 7 है, इन सभी का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये 300 बन जाएगा और ये मेरा 7 वाला 700 बन जाएगा, राइट? बोलो। बिकॉज 25 से ये डिवाइड होना चाहिए, इससे ये डिवाइड होना चाहिए, तभी बनेगा नहीं? बोलो। बस इसमें 25 से गुना, इसको 25 से गुना करने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा, इसको 35 से गुना करना पड़ेगा। 12 गुना 16, 216, और 35 गुना दिस, ये हो गया आपका 350 और 455, ठीक है। ऐसे 12 सात 84 और 35 गुना 7 245, इसमें से ये माइनस किया 161, इसमें से ये माइनस किया 239, ठीक है सर। ठीक हो गया। या एक्स से भी कर सकते हो इसको, एक्स से भी कर सकते हो। ये एक्स से कैसे है कि भाई ये 3x है, ये 4x है, ये 7x है, ठीक हो गया। तो ए वाला सॉल्यूशन निकाल लो कितना है, ए वाला सॉल्यूशन कितना आ गया, 18/25 ऑफ 3x। ए वाला सॉल्यूशन यहाँ कितना है, 13/7x, इसमें से ये माइनस कर दिया, 91/20x माइनस 54/25x, राइट? बोलो। वो बोलते नहीं यार, ये ए का फ्रैक्शन आ गया इसमें, ठीक है। तो ए का फ्रैक्शन इसमें क्या आ जाएगा, तो हमने एलसीएम ले लिया 100, 5 से गुना किया 455, नहीं 5 से नहीं 4 से गुना होगा, 5 से गुना होगा, ये 4 से गुना होगा, 216। क्या आ गया, 239 अपॉन 100x आ गया। किसमें है ये, 4x में है, तो 239 अपॉन 400 इज द वैल्यू ऑफ ए, बाकी रह गया 161 अपॉन 400, ठीक है। फ्रैक्शन से भी हो गया ये, ठीक है सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में जहां कहीं भी रिमाइंडर का कुछ कह रहे हैं, बोलो सर, क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी अगर वो मिल जाए, प्राइम नंबर दिख जाए, तो इसका मतलब उसमें ऑप्शन प्राइम नंबर वाला ही मार्क कर रहा है, अगर ऑप्शन सिर्फ एक है तो। मोस्टली हाँ, ऑप्शन सिर्फ एक है, चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाँ जी। On a triangle ABC, a circle with diameter BC is drawn intersecting AB and AC at point P and Q respectively. अभी रुक जाओ यहाँ पे, यहीं पे रुक के क्या है कि भाई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में डायमीटर ड्रॉन किया गया है, ठीक है ना, ट्रायंगल में डायमीटर है। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा, डायमीटर तो भाई यही हो जाते हो जाएगा आपका, डायमीटर तो ये हो ही गया, ठीक है। अब
इंटरसेक्टिंग ए बी एंड ए सी एट पॉइंट पी एंड क्यू, मतलब जो सर्कल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसे हो सकता है, हो सकता है ऐसे? यस सर, हो सकता है. यस सर. इंटरसेक्टिंग एट पी एंड क्यू, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, बन गई डायग्राम, बन गई. यस हाँ जी, लेंथ ऑफ ए बी 25. If the length of AB, AC and CD are 30 centimeter, 25. AB, AC, AC कितना है? 30 है. 10. हाँ. And 25 and 20 centimeter respectively. Then the length. CP ये 25 दे रहा है. ये 25 दे रहा है. सर 20 दे रहा है. काम उल्टा लिखा हुआ है वैसे. 20. AB, AC interchange कर लो. AC का 25 है सर, AB का 30 है. 30 है सर. AB 30 है, ये 25. चलो ऐसे लिख लेते हैं. हाँ, BQ का लेंथ पता कर रहा है हमसे, राइट? यस सर. टीटा क्वेश्चन है, तो ये 30 है, ये 25 है ना? 30 और 25 में अगर हम रेशियो देखें तो क्या बनती है? इसकी रेशियो 6:5, इसको भी 6:5 में कर दो, क्या बनेगा? 24. देखो आंसर कहीं 24 तो नहीं है? वही है सर. यस सर. अब ये देखना पड़ेगा ये आया कैसे. सर सीपीबी एंगल जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए अभी वो CPB तो 90 डिग्री होगा ही होगा, उसके बाद क्या होगा? BQC भी 90 डिग्री है. CPB 90 altitude हो गया ना, altitude हो गया, नहीं तो एरिया इक्वल हो जाएगा. यस सर. ठीक है, बोलो. हाँ जी सर. राइट एंगल के अंदर बनी हुई ट्रायंगल जो रहती है वो क्या रहती है? नहीं, राइट एंगल नहीं, सर्कल के, सेमी सर्कल के अंदर बनी हुई ट्रायंगल क्या रहती है? Right angle triangle. बस हो गया क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज ऑल्सो 90, तो एरिया इक्वल होगा ना ट्रायंगल का. yes. अब ये देखो, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक किए हैं उनमें से ये क्वेश्चन है जो 200% क्लैरिटी के साथ निकल रहा है और टाइम नहीं खा रहा है. जी हरी के, ठीक बोलो भाई. यस सर. यस सर. ठीक है, ये भी श्योरिटी के साथ निकलने वाला बट टाइम खा रहा है. ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बनाना पड़ेगा बैठ के, पर ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है. डायग्राम ड्रॉ करो, क्वेश्चन आपके सामने. हां जी बेटा, क्वेश्चन रिपीट कर दोगे सर, ये फोर्थ वाला? अरे रंकित भैया, तुम ऐसा करोगे तो फिर लोग क्या करेंगे. करा देता हूँ. किसको समझ में आ गया भाई, कौन रिपीट कराएगा? मृदुल तनेजा, रिपीट कराना ये क्वेश्चन. सर डायग्राम बना दो, फिर करा देता हूँ. हम्म, जैसे ये डायमीटर है ना, पी क्यू हमें गिवन है कि डायमीटर है. हम्म, ओ सॉरी, ए बी जो है, ओ बी सी जो है, अभी सर बताएंगे तब. बी सी डायमीटर है, उससे एक पॉइंट निकाला बाहर, और ए बी उसको मतलब ए पॉइंट है, और जहां पर ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट पी है, वो सर्कल पे पॉइंट है वो, और जहां पर ए सी इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट क्यू है, ये वाला पॉइंट. मेन मुद्दा बताओ क्या है इस क्वेश्चन में. तो मेन यही है कि अब सेमी सर्कल के अंदर अगर एक ट्रायंगल बनेगा तो उसका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री होने की वजह से ये एक ऑल्टीट्यूड होगा ए बी सी ट्रायंगल का, और सेम ये भी 90 डिग्री बनने के बाद ये भी एक altitude होगा, तो altitude की वजह से एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे, जिसमें हमें एक altitude की length हमें given है, दूसरे वाले की x लेके निकाल लेंगे, क्योंकि एरिया सेम होगा, ट्रायंगल सेम है, दो altitude लिए हमने, एक altitude given है, एक नहीं given. हाँ जी सर, ठीक है, हो गया ना डायग्राम के बाद तो क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया. yes, sir. डायग्राम के बाद तो ये 30 है,
ये 25 है, अब ये वाली वैल्यू 20 है अगर, तो ये 24 आ गई भाई, सिंपल राइट। अब क्वेश्चन क्या हो सकता था आपसे, ये भी पूछ सकता था अभी ये कितना है, डायमीटर कितना है, उसके लिए फिर अलग कहानी करनी पड़ती हमें, ठीक है। यस सर। हाँ तो उसमें ये 30 है, ये 24 है, ये वाला लेंथ निकाल लेते, ये निकल जाता, इससे ये निकल आता, ये निकल जाता, तो ये पता है तो डायमीटर आ जाता। ओके हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Let t1, t2 to continue be real numbers such that t1 plus t2 plus up to tn is equal to tn square plus 9n plus 13. For every positive integer, n is greater than or equal to 2, tk term is equal to 1, 0, 3, then k equals to. मेरे को लगता नहीं है कि इससे आसान क्वेश्चन कोई दिख सकता है आपको। क्या करोगे भाई, क्या करोगे? बोलो सर। एसएन माइनस एसएन माइनस वन कर देंगे तो आ जाएगा। हाँ वेरी गुड। तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। देखो भाई क्या दिया हुआ है आपको, एक मिनट यार। इनका सम दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है। और पूछा क्या हुआ है आपको, एक टर्म पूछी हुई है। ये जो फंक्शन दिया है ये किसका दिया है? सम का दिया है। तो अगर मेरे को मतलब 2n स्क्वायर, ये nth टर्म होगी ना, ये n टर्म का सम हो गया ना। यस। तो अगर मैं इसको t मतलब ये जो सारा है इसको n माइनस वन ले लूंगा, उसको इसमें से माइनस कर लूंगा, तो क्या आ जाएगी मेरी, nth टर्म आ जाएगी? nth टर्म आ जाएगी। बोलो भाई यस नो? यस सर। ये देखो ना, ये मेरी टोटल टर्म्स का सम है। कहां कितनी टर्म्स का सम है, मान लो n 15 है, तो ये 15 टर्म का सम हो गया। यस सर। तो 15 टर्म का सम हो गया, तो अगर मैं 14 टर्म का सम निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9n माइनस 1 प्लस 13, ये सारे को इससे माइनस कर देंगे, दिस विल व्हाट गिव यू मी, व्हाट tn दे देगा ना ये मेरे को। यस सर। तो लिखो इसको 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 माइनस, हाँ 2n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4n प्लस 2, नहीं माइनस 2, ठीक है, माइनस 9n प्लस 9 माइनस 13, माइनस 13 दिस गोज आउट, 9n 9n गोज आउट, 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर गोज आउट, राइट। व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज 4n एंड 7, 4n प्लस 7 प्लस 7 यस इज इक्वल टू 103, सो n इज इक्वल टू 96/4, 24, isn't it? Yes, sir. आंसर आ गया बेटा। समझ आया सबको? Yes, sir. तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये टिपिकल क्वेश्चन है हमारा सीक्वेंसेस का, सम ऑफ सीरीज का, नंबर्स का। हाँ तो ये nth टर्म है, ये n माइनस वन टर्म हो गई, इसका सम हो गया, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सर, उस पिछले वाले क्वेश्चन को सर, अगर हम ऐसे करते हैं कि एक बार 3 पुट करके देखते हैं n की जगह और एक बार 4, और हमें गैप पता चल जाता है कि वो किस फॉर्म में जा रही है। वो भी कर सकते हो, n n 2 पुट करो, 3 क्यों 2 पुट करो पहले, क्या आ गया? तो 3 पुट करने पे 58 आया सर, 2 क्लियर है। 3 पुट करो, 2 पुट करो ना पहले, 8 प्लस 18, 1 प्लस ये हो गया 8, 18 एंड 13, 39 आ गया। यस सर। यस सर। 1 प्लस 2 प्लस 3 देख लो क्या आ गया, 3 पुट करो,
नाइन एटीन प्लस 27 प्लस 40 58 आ गया, ठीक है? यस सर, यस सर। फिर 4 पुट करो, 16 दुनी 32 हाँ 32 और 18 और 13 क्यों सर? अरे अच्छा 4 36 आएगा, 36 और 13 और 61 ये 4 टर्म। तो सेकंड टर्म क्या आ गई, सेकंड टर्म क्या आ गई, थर्ड टर्म आ गया मेरा 21 राइट, नहीं 21 नहीं 19 आएगा। 34 क्या आ गया, 23 T5 आ जाएगा मेरा 27 यहाँ से पैटर्न बन जाएगा, ठीक है? ये भी कर सकते हैं, पर कई बार ये लंबा होता है, नहीं पैटर्न डायरेक्ट पैटर्न नहीं आता। बोलो, यस सर, यू मे नॉट गेट द डायरेक्ट पैटर्न, तो इसीलिए मतलब इट इज एडवाइजेबल टू गो बाय द स्टैंडर्ड मेथड। From a rectangle ABCD of area 768 square centimeter, a semicircular path part with diameter AB and area 72 pi square centimeter is drawn. The perimeter of the leftover portion in centimeter is. देखो, इस क्वेश्चन की डायग्राम बनाओगे, क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। एक रेक्टेंगल है, ठीक है? Yes, sir. अब सेमी सर्कुलर पार्ट अगर मैं बड़ी साइड पे बनाऊंगा, बोलो, सर्कल को अगर हम बड़ी साइड पे बनाएंगे तो बाहर निकलेगा ना, समझ आया या नहीं आया? यस सर। नहीं जरूरी नहीं है, हाफ भी हो सकता है, ठीक है? सॉरी, छोटी साइड पे बनाएंगे, छोटी साइड पे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते छोटी साइड पे? तो फिर इतना ही निकलेगा, सो वी आर नॉट श्योर, एम्बिग्यूटी आ गई इसमें कि भाई सर्कल ऐसे निकला है या ऐसे निकला है, कहीं भी हो सकता है ना, ये जरूरी नहीं है हाफ को टच करेगा, ट्रायंगल यहां भी हो सकती है। मंजीर जरूरी नहीं है, लिखा नहीं है, ठीक है? With diameter AB and area this, अगर इसका ये एरिया दे दिया सेमी सर्कल का, तो भाई सेमी सर्कल का एरिया हो गया, तो R आ गया, तो आपका कितना आ गया, 84 आ गया R। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, 72 पाई है, पाई पाई कट गया, तो R 12 आ गया, तो डायमीटर 24 आ गई, ये सर 24 और ये 32 आ गई एक। अरे यहाँ पर एरिया 72 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज रिमूव्ड का क्या मतलब है? हाँ, 72 पाई हाफ कट करके रिमूव कर दिया एरिया उसमें से। हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि यूं था कुछ। अरे फिगर किस हिसाब से बना रहे हैं ये? ऐसे बना दिया बस, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है? बोलो, ठीक है सर। ये उससे कम नहीं हो सकता, क्यों नहीं कम हो सकता? फिर वो उतना एरिया रिमूव नहीं होएगा, सेमी सर्कुलर एरिया रिमूव नहीं होगा। अगर हम इसको नीचे रख लेंगे, इस चीज को यहां रख लेंगे, तो सेमी सर्कुलर नहीं होगा ना? यस सर। या तो यहां होगा या यहां होगा, कहीं भी होगा। बोलो, यस सर। हमें उससे कुछ नहीं लेना, हमने तो 24 एरिया रिमूव किया है, तो 1/2 πr² = 72 π। यहां से मेरा R आ गया भैया 12, D आ गया 24, ठीक है? ये अगर 24 आ गया डायमीटर पूरा, तो ये वाली लेंथ आ गई 32, ओके हो गया? यस सर। अब ये बोल रहा है भाई एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर पोर्शन इज, लेफ्ट ओवर पोर्शन क्या हो गया, ये वाला 32 64 डायमीटर सर, प्लस 24, 64 प्लस 24 88 प्लस ये वाला, समझ आया?
ऐसी हो गया सर, पूरे का पैरामीटर निकाल के उसमें से हाफ पैरामीटर उसका माइनस कर दो सर। ऑप्शन से ही हो सकता है अब तो? नहीं बेटा, ऑप्शन से कैसे होगा, लेफ्ट ओवर पोर्शन है सर, लेफ्ट ओवर पोर्शन है ना, तो इसलिए जो पेरीमीटर होगा वो स्क्वायर का प्लस करके और जो हमारा सेमी सर्कल रह गया उसका सेमी सर्कल का प्लस करके होगा। बिल्कुल सही है, 12 पाई तो हमारा यही आ गया सेमी सर्कल का पेरीमीटर। सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई डी, पाई डी बाय 2। हां जी सर, तो डायमीटर 24 दिया हुआ है तो 12 पाई बन गया। बस ऑप्शन में 12 पाई दिया हुआ है हमें। बस वो तो है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक हो गया भाई? यस सर। हां जी सर, देखो ना यार इसके अंदर क्या लगा, कोई रॉकेट साइंस लगी क्या इसके अंदर, कोई उसने ऐसा फार्मूला यूज किया कि जो आपको टेंथ के बच्चे को नहीं आता है सर। सिर्फ फिगर बनाना था, फिगर बनानी थी, समझना था, जहां एम्बिग्यूटी थी उसको रख लिया करो, ठीक है ना, एम्बिग्यूटी को रखो ना, किसने मना किया कि एम्बिग्यूटी खा जाओ, ठीक है, अपने आप रिमूव होगी वो। is an integral multiple of 2 power x, then the largest possible value of x is. देखो पहले तो हमें ये चेक करना है कि n की पावर n कैसे बनेगा, तो ये आप थोड़ा सा भी आपने क्वांट किया है मेरे साथ, आपको पता होगा कि 32 जो होता है 2 की पावर 5 पे आता है। जी सर। ठीक है, तो this can be written as 2 raised to power 5 raised to power 32 will give you 32 raised to power 32, ठीक है? इस एक्सप्रेशन से तो n निकल आया, वो बोलते नहीं। n की पावर n है ना? Yes sir. Yes. तो भाई n कितना करे ताकि उसकी पावर इतनी आ जाए, ट्राई करते रहो, 4 की पावर 40 हो जाएगा, 4 की पावर 80 हो जाएगा, ये बोलो 16 की पावर 40 हो जाएगा, ठीक है सर, 2 रेस टू पावर 4 इंटू 160 बाय 4 हो जाएगा, नहीं ठीक है सर, ऐसे करके मैंने इसको 5 से डिवाइड किया और ये 5 आ गया, आंसर आ गया हमारा। जैसे कह लो 2 की पावर n शुड बी इक्वल टू 160 अपॉन n, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 160 का तो पता ही चल जाएगा ना, 2 की पावर n के फैक्टर कौन से बनते हैं, 32 गुना 5 होता है, तो n 5 आ गया। यस सर। n 5 आने तक पहला काम हो गया भाई। यस सर। n जब 5 आ गया आपका, अब क्या करना है, n स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 2 की पावर, नहीं एन 32 आ गया सॉरी, 32 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 32, ठीक है भाई, इसमें से 32 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5, तो क्या कॉमन आएगा, 2 की पावर 10, तो फिर आंसर क्या आएगा, 10। बस बता दे पुर भैया, बोलो भाई आ गया नहीं आ गया, ये लास्ट में नहीं समझ में आया। अरे बट्टा इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 की पावर 10 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 रेज टू पावर 22। यस सर। ओके ठीक है। यस सर। ठीक है सर। A chord of length 5 cm subtends an angle of 60 degree at the center of the circle. The length. जब भी chord 60 degree का angle बनाती है, ये दो तो पहले से equal होते हैं, तो equilateral triangle नहीं बन जाएगी? हाँ जी सर। Yes. बोलो।
ये 60 है, ये तो इक्वल ही होता है, तो तीनों 60-60 हो गए। चलो पांच 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 हो गया, आगे बोलो। The length in centimeter of the cord that subtends an angle of 120 at the center of the same circle is. अगर 120 होगा तो यहाँ आ जाएगा एंगल। 120 आ गया ये? Yes. तो ये एंगल 120 हो गया। अगर इसको मैं मैच करूंगा यहां से, ये एंगल 30 हो गया। बोलो। ये करवाया नहीं आपको मैंने कि 1 √3 होता है, 45 डिग्री का हो तो 1 √2 होता है, किसमें होता है ये 45 45 90 1 2 √3 होता है, ये किसमें होता है 30 60 90 30 60 90, और ये 1 1 √3 120 120। बस ये दिया हुआ है आपको 5 है, तो ये 5 √3 हो गया। लॉलीपॉप क्वेश्चन, ठीक सर। ये साइड से इक्वल की वजह से 30 30 आए ना सर दोनों? डायमीटर रेडियस हो जाएंगे ना दोनों साइड। पढ़ो। पी पावर 3 एंड इज इक्वल टू क्यू पावर 4 इज इक्वल टू आर पावर 5 इज इक्वल टू एस पावर 6 देन द वैल्यू ऑफ लॉग बेस एस पी क्यू आर इज इक्वल टू देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है ये, नाइस क्वेश्चन। तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, पी की पावर 1/2। एक्चुअली पी ले लो, पी इज इक्वल टू एस रेज टू पावर 2। क्यू इज इक्वल टू 3/2। आर इज इक्वल टू 6/5। राइट बोलो, हाँ या ना तो बोलो यार। यस सर। तो लॉग एस ये क्या हो गया, पी क्यू आर एस इंटू एस इंटू एस इन सभी की पावर 2 + 3/2 + 6/5। राइट यस सर। बेस एस इसको 10 आ गया नीचे। हाँ जी, ये 20 + 15 + 12 47/10। ओके यस सर, ये करेक्ट करना है यार ये ना। रॉकेट ये बहुत गंदा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। In a tournament, there are 43 junior levels and 51 senior level participants. Each pair of junior play one match. Each pair of senior play one match. There is no junior versus senior match. The number. चल। Continue करो। हाँ पढ़ता रहे। The number of girls versus girls matches in junior level is 153, while the number of boy versus boy matches in senior level is 276. The number of matches a boy play against a girl is. देखो भाई थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। आगे टोटल नंबर ऑफ मैचेस किसके सर? जूनियर के। जूनियर के ये टोटल नंबर ऑफ मैचेस सीनियर। ठीक है, अब द नंबर ऑफ गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स मैचेस ये हो गए, ये बॉयज वर्सेस बॉयज मैचेस हो गए। कृष्ण वाह, ओ मनीष वाह। समझाओ कोई इसको, टोटल मैचेस करते हैं ब्रो। ब्रो मेरे ब्रो, ये दो हैं दो, एक सीता है ब्रो, एक गीता है ब्रो, एक आप बात कर रहे हैं सम ऑफ सीरीज,
सम ऑफ नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं पाजी एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। यप यस सर। बट जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेते हैं तो एन इंटू एन माइनस वन लेते हैं। जैसे एक बंदा दूसरे बंदे को हैंडशेक करेगा तो एक बंदा खुद से थोड़ी हैंडशेक करेगा या बाहर से थोड़ी कोई और बुला लाएगा। मैचेस खेलते हैं, टूर्नामेंट खेलते हैं, सब जगह एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, इट इज बेसिकली एन सी टू। हाउ मच इज दिस 43 इंटू 21 840 और 63 903 है क्या? नौ सौ तीन और 1275। बोलो भाई 2178। बन रही है बात, नहीं बन रही है? द नंबर ऑफ गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स मैचेस इन जूनियर लेवल 153 वाइल, ठीक है। सो यहां तक हो गया या नहीं हुआ भाई, बोलो। यहां तक तो आ गया सर। यस सर। तो अब हमारी इधर गर्ल्स कितनी है? 153 नहीं, मैचेस हैं गर्ल्स के, गर्ल्स के साथ। तो गर्ल्स कैसे निकलेंगी सर? एक प्लस एक जोड़ दो 154 होंगी। नहीं यार, 153 इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये हो गया 306 हो जाएगा। 306 17 गुना 18 होता है, ठीक है। 18 गर्ल्स हो गई, राइट। ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हम इसको वहीं से कर देते हैं, टोटल निकाल लेना, कोई चक्कर नहीं। 43 जूनियर लेवल, इसमें से 18 गर्ल्स हैं। 18 गर्ल्स कैसे आई? क्योंकि 18 इंटू 17 इज इक्वल टू 153। बोलो। यस सर। तो बॉयज कितने आ गए? 27 नहीं 25। बोलो सर। यस। तो नंबर ऑफ मैचेस हो गए 450। यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 276 है, तो 276 हो जाता है 552। 552 आता है 23 गुना 24 से। बोलो। तो 23 गुना 24 बॉयज हो गए 24, तो गर्ल्स हो गई आपकी 27। 24 गुना 27 576 और 72 648। इन दोनों को जोड़ दीजिए। 1098 तो नहीं है कहीं आंसर? यस सर। आ गया। हाँ जी ठीक है सर। नंबर ऑफ मैचेस दिए हैं डबल, दो बार लग गया ना टोटल नंबर ऑफ मैचेस का फंडा, और कुछ नहीं है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फंडा डबल में लगा दिया इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 20% इथेनॉल सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अनदर इथेनॉल सॉल्यूशन से एस ऑफ अननोन कंसंट्रेशन इन द प्रोपोर्शन 1:3 बाय द वॉल्यूम। This mixture is then mixed with an equal volume of 20% ethanol solution. If the resultant mixture is 31% of 0.25% of ethanol solution, then the unknown concentration of S is. देखो भाई, एक one लिया, एक three लिया, ये 20% वाला है, ये unknown वाला है। अब इसे सारे को फिर 20% से मिला दिया equal के साथ, ठीक है। तो चार पोर्शन और ले लिए इसके 20% वाले के, तो क्या मैं कह सकता हूं कि शुरू में इसके पांच पोर्शन थे? हाँ जी। तो ये मिला के कितने बन गए? आठ पोर्शन बन गए। कितने वाले के? 31.25 के। सर, तो 31.25 11.25 ज्यादा है आठ का, राइट। डिवाइड बाय थ्री कर देंगे इसको। 11.25 इंटू 8 कितना होता है?
88 90 डिवाइड बाय 3, ये 3 ज्यादा होना चाहिए, 50 आंसर आ गया। बोलो आंसर है क्या नहीं है आंसर 50? आंसर तो है सर। अब सर इतनी जल्दी कैसे कर दिया? नहीं, पहले तो हमने क्या पकड़ा, क्या पकड़ा भाई बोलो? कि उसके पांच पोर्शन है, उसके पांच पोर्शन है, क्योंकि एक तीन में मिलाने के बाद इक्वल वॉल्यूम मिला रहा है दूसरे का, पहले वाले का। बोलो भाई, अरे यार एक तीन में मिलाने के बाद उतना ही पोर्शन पहले वाले का और डाल दिया, तो पहले वाले के टोटल पांच पोर्शन हो गए। नहीं, हाँ जी बोलो। पहले हाफ क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया? बोल दीजिए सरकार। एक एग्जांपल से बता दो ना, जैसे कुछ वॉल्यूम लेंगे। अरे यार आपने 10 लीटर ले लिया इथेनॉल, हाँ जी, 30 लीटर डाल दिया एस, ठीक है सर, डाल दिया 30 लीटर एस, हाँ जी सर, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसके बाद क्या किया? जितना 40 हो गया, हाँ जी सर, 40 अब 40 लीटर 20 वाला और डाल दिया, जितना वॉल्यूम है सारे के सारा डाला है वो, ठीक है सर, ठीक है ना। दिस इज मिक्स्ड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 20% इथेनॉल, ठीक है। यस सर, यस सर। तो 50 हो गया ना टोटल पहले वाला, यस सर, समझ आ गए यहाँ तक? यस सर। इसके बाद मैंने मिक्सर एलिगेशन लगाने की बजाय फास्ट मेथड लगा दिया। फास्ट मेथड क्या किया हमने, कहा या तो ऐसा कर लो 31.8, 31.28, 31.28, 25 into 8 minus 5 into 20 divide by 3 आंसर आ गया। 250 minus 100, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यस सर। 31% वाला मिलाना है 8 लीटर टोटल, उसमें डालना है 5 लीटर 20% वाला, तो बाकी कितने वाला होगा? The area of rectangle and the area of the area of rectangle and the square of its perimeter are in the ratio 1:25. एक मिनट रुको। Area of rectangle AB ratio square of its perimeter, ठीक है, is equal to 1:25. हाँ। Then the length of the shorter and the longer side of rectangle are in the ratio. AB का रेशो पता है, पूछा है AB upon 4 A plus B का whole square, right? Is equal to, बोलो 4/25? 4:25. AB का under root upon AB is equal to 2/5? Yes, sir. बोलो? Yes, sir. A plus B, sorry. ठीक है, तो 1:14 आंसर आ गया, और तो कोई 5 बन ही नहीं रहा ना। सर अंडर रूट AB 5 के इक्वल है? अबे अंडर रूट AB नहीं घोंचू, A plus B 5 आना चाहिए। बोलो ऊपर आपको a plus b स्क्वायर दिया 25 के इक्वल वाला रेशियो। ओ मैंने अनरूट कर दिया ना इसका इजी करने के लिए, तो सभी सारे होंगे, ठीक है। यहां से ले लो, चाहे प्रोडक्ट 4 होना चाहिए, किसका प्रोडक्ट 4 है? इसका प्रोडक्ट 4 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका ही 4 आएगा। हां जी, वो भी इसी का बनता है 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। The smallest integer n for which 4 n is greater than 17^19 holds is closest to. देखो भाई, 16 की पावर 19
विल बी लेस देन 16 की 17 की पावर 19, ठीक है, मतलब सर 4 का स्क्वायर 4 की पावर 38 विल ऑलवेज बी लेस देन 17 की पावर 19, तो ये आंसर 38 से ज्यादा ही आएगा, ये ऑप्शन है सर 39. Yes, sir. Yes. Got it, everyone? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर ये क्वेश्चन ये आ जाता कि भाई 16 की पावर 39 और 17 की पावर 19 कौन सा बड़ा है, ठीक है, तो भाई डिफिकल्ट हो जाता, टफ हो जाता, क्योंकि वी डोंट नो एग्जैक्टली कि भाई कौन सा बड़ा होगा, राइट? बोलो. यस सर. जब 38 पे छोटा है तो 39 पे बड़ा ही हो जाएगा वैसे. तुम भी ना अजीब आदमी हो बिल्कुल. अरे ये बेस चेंज हो गया ना बेटा, हो सकता है पर श्योर नहीं है, उसके लिए हमें डिटेल में जाना पड़ेगा. जैसे 16 को लिखेंगे 16 प्लस 1 की पावर 19, ठीक है, ये बन जाएगा 16 की पावर 19. बोलो. हाँ जी सर, प्लस. हाँ जी, ये हो गया एक्चुअली 4 की पावर 39 हो गया ना, तो ये हो गया 16 की पावर 19.5. हाँ जी, तो 16 की पावर 19 प्लस, अब हमें पता नहीं है ना ये कितना होगा आगे. अच्छा ठीक है सर, ठीक है, प्लस ये आ जाता होता है 19 इनटू 16 की पावर 15 प्लस 19 इंटू 18 डिवाइड बाई 2 इंटू 16 की पावर 14, ऐसे ऐसे निकलेगा कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है. ठीक है, इज क्लोजेस्ट टू बोला है ना इसने, क्लोजेस्ट टू. बोलो. The smallest integer n such that n cube minus 11 n square plus 32 n. इसमें क्या करना होगा, n की वैल्यू पुट करनी होगी. हाँ जी सर. इंटीजर बोला है ना, पॉजिटिव तो नहीं बोला. यस सर. पॉजिटिव बोला है. नो सर. जी सर. तो सबसे पहले जीरो पुट कर लो. जीरो से तो सर माइनस 28 आ जाएगा. जीरो से नेगेटिव आ जाएगी. जीरो से माइनस 28 आ गया. तो अब हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए. यस सर. दोनों साइड मूव करेंगे, बट हम डाउन साइड मूव करेंगे. ठीक है, दोनों साइड आंसर आ सकता है ना. चेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो लेट अस पुट वन, वन में पुट करो क्या आ रहा है, माइनस 6 आ रहा है सर. माइनस है, तो देखो जीरो पे क्या आ रहा था, माइनस 28. तो जीरो पे आ रहा है मेरा माइनस 28, वन पे आ रहा है माइनस 6. ठीक है, टू पे क्या आ रहा है, जीरो. टू पे जीरो आ रहा है. ये पकड़ लिया आपने, तो इट मींस एक्स माइनस टू एन माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस, राइट? तो इसको एन माइनस टू से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, इसको किससे डिवाइड कर दीजिए, क्या गया एन स्क्वायर पे गया. हाँ जी. एन स्क्वायर माइनस टू एन, माइनस 9 एन. ठीक है,
बोलो। यस सर। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। आगे फैक्टर आगे सर। तो क्या लिखते होते हैं 227 राइट। यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये 2 पे पॉजिटिव पहुंचेगा ही नहीं, 0 पे टच करके वापस चला जाएगा। ऐसे होता है ना ग्राफ। बोलो। यस सर। यहाँ पॉजिटिव टच करेगा ही नहीं, ठीक है, नहीं तो ऐसे आ जाता ना। हाँ जी, 0 से मुड़ रहा है। हाँ, 0 से मुड़ रहा है ये, यहाँ से मुड़ गया, 2 इक्वल रूट्स आ गए इसके। तो 7 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी जिसपे ये पॉजिटिव? 8। क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट इंटीजर। क्योंकि अगर आप 3 पुट करोगे ना, कई लोग पुट करने के चक्कर में जाते हैं, 3 पुट करोगे तो क्या आएगा? 27 माइनस 99 प्लस 96 माइनस 28, ठीक है, हाँ, माइनस 2 आएगा, माइनस आएगा कुछ 4, माइनस 4 आएगा, ठीक है। और यहां जाके ये 2 है और ये आपका 7 है, ठीक है, तो 2 है ये 7 है, तो ये आपका 4.5 पे जाके मिनिमम वैल्यू देगा। ओके बोलो। हाँ या ना? नहीं नहीं आपको कुछ नहीं करना, आपको तो ये है देखो ना, पॉलिनोमियल है, नॉर्मल तो है नहीं, तो पॉलिनोमियल में 3 रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, वो तीनों रूट निकाल लिए आपने, वो तीनों रूट में हमने ये सिंपल फंडा लगा दिया, आंसर आ गया, कुछ घपला है ही नहीं, ये तो किया ही हुआ है ना हमने बेसिक में, प्लस माइनस प्लस वाली अप्रोच तो की हुई है, और उसके बाद 3 का क्यूब रूट निकालना है, वो भी किया हुआ है कि 3 के रूट कैसे निकालने हैं, 0 पे ले लो, है ना। पहला रूट क्यूब वाले में हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ता है। चलो अ पैरेललोग्राम एबीसीडी हैज एरिया 48 स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ सीडी इज 8 सेंटीमीटर एंड द एडी इज एस सेंटीमीटर देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू। एबीसीडी 48 है एरिया, ए बी सी डी, तो सीडी 8 है, तो ये जो हाइट होगी ये हो गई आपकी 6 हो गई। यस सर। एडी और सी बी सी, एडी एस है ना, तो ये 6 से ज्यादा ही होगी, ए आंसर आ गया। छ या 6 से ज्यादा होगी। yes, कुछ भी नहीं था इसमें तो, ये बताया था ना मैंने, पैरेललोग्राम को थोड़ा सा पुश कर देते एरिया रिड्यूस हो जाता है। बोलो। डब्बा है एक, कार्टून बॉक्स है, एक कार्टून बॉक्स ले लिया, ये 8-6 का होगा, स्क्वायर होगा तो, मतलब रेक्टेंगल होगा तो, अब इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो एरिया कम हो जाएगा। हाँ जी सर। तो अगर ये एरिया 48 है तो इसको सीधा करेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा ना। हाँ जी सर। तो ये मैक्स 6 से ज्यादा ही होना पड़ेगा इसको 48 बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ सम 7 इनटू 11 प्लस 11 इनटू 15 प्लस 15 इनटू 19 सो ऑन अप टू 95 इनटू 99 इज। देखो भाई कैसे करोगे, ये कैसे कर सकते हो इसको, 7 इंटू 11 कैसे किया, 9 प्लस 2 9 माइनस 2 इजंट इट, कैन यू राइट 9 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर
97 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, राइट? एक तो ये चीज बनती है नहीं बनती है? यस सर। दूसरा क्या, इसकी nth टर्म निकाल लो, तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 77 कैसे आया? 11 into 7। नहीं नहीं ऐसे नहीं, चलो फर्स्ट टर्म निकालो, कितना फिर एजीपी बन जाएगी, ये एजीपी नहीं बनानी, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है ना, सो इट इज योर 8 plus 1 नहीं, ये कितना है दूसरे वाला, 13 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 9 से 13 कैसे आया, तीसरा कितना है, 17 है ना? Yes, तो ये हो गया 4 plus 5 8 plus 5 12 plus 5, isn't it? तो मेरी कमेंट 4n plus 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, nth टर्म हो गई हमारी, देख लो भाई बन रही है नहीं बन रही, बोलो बंदी है गल नहीं बंदी है, दो तो सही आ गए बस, अब इसको खोल लो, 16n square plus 40n plus 25 minus 4, इसका लग गया समीशन, कितनी टर्म है लास्ट टर्म क्या बनेगी, 94.04, 23वीं टर्म बन गई ना जी, तो 23 टर्म्स का सम है ये, पर बहुत लंबा हो जाएगा इस तरीके से, हो तो जाएगा क्वेश्चन सर, ये समीशन सर, ये सर समीशन कैसे खोलते हैं सर, बताता हूँ भाई, इसको तो खोल देंगे, 16 into n square क्या होता है, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 plus n क्या होता है, 40 into n plus 1 divided by 2 और 21n आ गया, और यहाँ पे n है हमारा 23, राइट? तेईस टर्म होगी ना, 23 × 4 = 92 + 5 = 97 स्क्वायर, हाँ या लास्ट डिजिट से कर लो अगर कुछ हो सकता है तो, इसी को कंप्लीट कर दो सर, इसी को n कितना है, 23 आ गया ना, अच्छे से मल्टीप्लाई करके ऐड ही है, 23 * 24 * 25 * 6 * 23 * 6 ये हो गया 23, 24, 25, तो 16 × 23 × 100 आ गया, प्लस 20 × 23 × 24 प्लस 21 × 23 लास्ट डी आंसर है क्या सर? नहीं ए आंसर है सर, गलती कर दी क्या कोई
सर वो 2n है ना, तो फिर वो 47 हो जाएगा सर, वो है ना क्या बेटा सर, वो 23 24 25 ले लिया हमने, 25 नहीं ले सकते ना, 2n है यहाँ पे, 2 अच्छा, 23 ये 25 कौन बोला था, ये गलत करा दिया ना मेरा, तो ये हो जाएगा 16 × 23 × 24 × 47/4 ये कट गया, 4 आ गया। अरे एग्जाम में करने वाला तो नहीं है? नहीं, यहाँ तो 0 आएगा लास्ट में, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 6 × 24 × 24 × 1 = 4 आएगा, 7 लास्ट में आएगा ये आंसर, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको लास्ट डिजिट से पकड़ लूंगा ना भाई। यस सर। बोलो। ठीक है, और दूसरा एक फंडा होता है इसका, 23 से डिविजिबल होगा ये, पर 23 से तो कहीं डिविजिबल हो जाएंगे, ये भी 23 से डिविजिबल है, ठीक है, लास्ट डिजिट पकड़ते हैं, लास्ट डिजिट में पहले का आ गया 7, दूसरा 7 आ गया पहले, सेकंड वाले का लास्ट डिजिट 5, फिर 5, फिर 19 × 21 9, फिर 21 × 23 3, 23 × इतने में तो सीरीज ही खत्म हो जाएगी, 5, नहीं गलत है, 21 23 थोड़ी, हमने सीरीज ही गलत ले लिया, ये हो गया, क्या बना था हमारा, ये तो करना ही पड़ेगा, 9² − 2² 13² − 2² and 9 13 17, लंबे तरीके से करना पड़ेगा यार, कोई और तरीका है नहीं, अप्रोक्सीमेशन से भी नहीं कर सकते, कुछ मल्टीप्लाई करके भी नहीं कर सकते इसको, मतलब कुछ किसी चीज से कर ले, सो विल डू इट दिस वे ओनली, लास्ट डिजिट से भी बहुत लंबा पड़ रहा है बेटा, वहां पे जाके लास्ट डिजिट निकाल सकते हो जहां पे मैंने निकाला है, चलो एग्जाम में टाइम लग जाएगा करने में, पढ़ो भाई क्वेश्चन। On a long stretch of east-west road, A and B are the two points such that B is 350 km west of A. One car starts from A and another from B at the same time. If they move toward each other, then they meet after 1 hour. If they both move toward east, they meet after 7 hours. The difference between their speed in kilometers per hour is? One car starts from A, another from B at the same time. B is west में है। सर यही हो गया, अगर same direction में जाते हैं तो 7 घंटे बाद मिल। Then they meet after 1 hour. If they both move towards east, then they 7 hours में. The difference in their speeds in kilometer per hour. हाँ भाई, 350 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों भाई मिलके कवर करते हैं 1 घंटे में, ठीक है, बोलो। फिर ये वो चीज है ना कि मतलब स्पीड 1 और स्पीड 2 को ऐड करेंगे तो 1 आवर का टाइम लग रहा है, और स्पीड 1 और स्पीड 2 को माइनस करेंगे तो 7 आवर्स का टाइम लग रहा है, तो 50 आंसर आ जाएगा इसमें सीधा सीधा। हां जी सर, यही बात है, कंबाइंड स्पीड होगी उनकी 350, रिलेटिव स्पीड होगी उनकी 50, डिफरेंस को पूछा ना उसने, तो पहले वाला नहीं भी दिया होता तो भी चल जाता ना यार। सर जैसे आप बताते होते हो कि ये जो 7 आ रहा है ये घूम के आया होगा, नहीं घूम के क्यों आया, सर्कुलर थोड़ी है यार,
एक दूसरे से 750 किलोमीटर आगे है, ठीक है भाई, 7 घंटे में पकड़ लेता है, कितने घंटे में पकड़ लेता है, 7 घंटे में, तो 50 की स्पीड से एक्स्ट्रा चल रहा होगा ना, कहानी खत्म, दिमाग तो लगाना ही नहीं। डायग्राम कैसे करो, ईस्ट डायग्राम क्या, ये चोर आगे है, चोर कितना आगे है, 350, 350, पुलिस कितनी पीछे है, 350, मतलब जितना आगे उतना ही पीछे है। तो 7 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेती है, तो पुलिस की स्पीड चोर की स्पीड से कितनी ज्यादा है, 50। बस पहले वाला उलझाने के लिए था, पहले वाला उलझाने के लिए बहुत है सर, आधे हो गए सर। चलो कोई ना, एक आधा क्वेश्चन छोड़ा भी था हमने, वही करा दो सर, फर्स्ट वाले का। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 97, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर प्रोडक्ट। कौन सा उनका प्रोडक्ट नहीं हो सकता, देखो भाई 16 नंबर अगर उनका प्रोडक्ट हो गया, सबसे छोटे वाला ले लेते हैं, ठीक है, तो नंबर क्या बनेंगे, बेस्ट पॉसिबल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स है, सॉरी 97 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 97, ये कह रहे हैं ना, yes, sir. माइनस और प्लस टू ए बी शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 97 प्लस 64 128, दोनों पॉजिटिव हो गए ना, प्लस टू ए बी हो गया, हो सकता है 97 प्लस 96, प्लस 32, माइनस 64, कुछ तो गड़बड़ है, क्या क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 97 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर प्रोडक्ट। इसका डबल उसको क्रॉस कर रहा है, यही 64 ही क्रॉस कर रहा है, और तो कोई क्रॉस कर नहीं रहा है, फिर तो बाकी सब आ सकते हैं, देखना पड़ेगा थोड़ा सा ये क्वेश्चन कैसे बना, एक मिनट, हिट एंड ट्रायल से तो कर ही सकते हैं, सम ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स 97 है, तो दो नंबरों का सम जो है ए प्लस बी 97 है, ठीक है, ए बी उनका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना भाई, तो आपको पता है ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच एम, यस बोलो, हाँ जी सर, ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच एम, यस सर, तो ए एम कितना हो गया, नहीं ये आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स है, नॉट सम ऑफ टू नंबर्स, सो दिस विल बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, यस सर, हम
सर ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 है, ए बी अगर 64 हो गया तो नंबर्स कैन बी 8 एंड 8, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64 128 हो गया, उससे ज्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता है। तो हम ये कैसे प्रूव कैसे करेंगे, इफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब इसका जो ट्वाइस है ना, 2ab है जो 2ab, बोलो यस सर, दैट शुड बी यू नो लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ए बी हैज टू बी लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फंडा। ठीक हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए बी, जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है, पर 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 इंटू 6 इंटू 4, ठीक हो गया, बोलो भाई हैं आप लोग या चले गए, बैठे हैं सर, तो 64 आंसर आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देम, ठीक है ना, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो गया ना, ये शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, ये पॉजिटिव ही तो आएगा, बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, नो यस सर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यस सर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यस सर, चलो जी ओके बाय 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 सर बाय।